मित्रों मैं आपके हालचाल बढ़िया करने आया हूँ। आप हमेशा हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों, दुल्हन की विदाई हो रही थी यार, सभी दुखी थे, रो रहे थे, बोल रहे कि मेरी मुन्नी जा रही है मेरे घर से। लेकिन यार इसके एक भाई की तरफ देखो, इसको तो अलग ही हंसी आ रही है और मुंह कैसा बना रहा है। अबे नहीं रोना तो मत रो, लेकिन नहीं दोस्तों, चाहे झूठ मूठ का रोना तो पड़ता ही है। पीछे वाला बंदा मारता है लाफा और बोलता है कि अबे साले खुद क्यों हंस रहा है, साथ में मुझे भी हंसा रहा है। और यहाँ पर देखो यार, ये शायद शादी थी या पता नहीं कौन सा प्रोग्राम था, सभी यार खाना खा रहे थे और तभी एक बंदा आता है और यार कूल लिप बांटने लग गया। अबे शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। अगर किसी को नहीं पता कि कूल लिप क्या होती है यार, लिफाफा देखो, आप एक हिसाब से तंबाकू समझ सकते हो। और देखो यार कैसे बांटे जा रहे हैं, हे ऊपर वाले ये क्या बना के रख दिया है, खाना खाने के साथ एक एक कूल लिप। इसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, और हमें लड़की अच्छी सी चाहिए। इसके भाई की तरफ देखो, और लड़की चाहिए अच्छी सी। अबे इसको लड़की नहीं, भालू मतलब कि भाली, भाली यार, भाली से मिलाओ इसको और शादी करवाओ इसकी, लड़की तो खैर नहीं मिलेगी। अब आप मुझे ये मत बोलना कि यार उसके बाल आए हैं, ऐसा नहीं बोलते यार, बाल नहीं आए, ये वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो चलो मित्रों, अब यहाँ पर देखो, ये कोई रस्म है या फिर ये दुनिया नरक की तरफ बढ़ रही है, यानी कि अपने अंत की तरफ बढ़ रही है यार। दो दो दूल्हे आपस में शादी कर रहे हैं, लड़के पीछे मुन्ने की, अरे यार मुन्ना बोलूं कि मुन्नी, मुन्नी बोलते हैं दोस्तों। पीछे वाले मुन्नी ने देखो कैसे घाघरा डाल रखा है, यानी कि बिल्कुल फ्रॉक पहन कर आई है। अरे अरे इसका तो मेकअप भी किया गया है, यानी कि बिंदी बिंदी लगा कर आई है, ये तो सच में दुल्हन बन चुकी है दोस्तों। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। मित्रों अगर आपको पता है कि ये कोई रस्म है या फिर मुन्नी चली ससुराल में, अगर आपको कुछ पता है तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। यारो आगे जाने से पहले मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, है ना, मुझे ठेका दे दो आपको साने का। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखो दोस्तों, ताऊ का बिल्कुल देसी डांस, वो भी ताई जैसा। ताऊ ने यार सबको साइड कर रखा है, सबको फेल कर रखा है दोस्तों। ताऊ जैसा डांस कोई ताई भी नहीं कर सकती। ताऊ जी का डांस और कमर देखो दोस्तों, ये ताऊ इस उम्र में किसी को पसंद ना आ जाए, यानी किसी ताई को। आए मेरा बोला, आए मेरा बोला, आई लव यू बोले। और यहाँ पर देखो यार, ये शायद शादी हो रही थी और मुन्नी नाच रही थी। तभी यार लड़कों की तरफ देखो, इनको और कुछ नहीं, लफेड़ों की कमी है, लफेड़ों की। और तभी यार लड़की को आ गया गुस्सा, अब होगी लाला लाला, लोग बहुत मारेंगे इन दोनों को, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे एक दिन, कुत्ते की मौत से। अब इधर ही देख लो, अंकल जी ने शादी में बिल्कुल बवाल उठा रखा है, बवाल यानी कि बिल्कुल देद नदर नाच रहे हैं उल्टे सीधे होकर के। पीछे मुन्नी की तरफ देखो, मुनियों का रिएक्शन देखो दोस्तों, वो बोल रही होंगी वाह वाह अंकल जी, तुम तो बहुत बढ़िया डांस करते हो। इन सभी मुनियों में से किसी भी मुन्नी की इतनी पावर नहीं जो अंकल जी को डांस में मात दे सके, यानी कि अंकल जी को चैलेंज कर सके और साथ में डांस कर सके दोस्तों। क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो, चलो चलो, लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है, जो कब्र कहां से बाहर करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों अंकल आंटी आए थे स्टेज पर, फोटो खिंचवाई और एक परस पड़ा देखा यार, आंटी उठाकर ले गई यानी कि आंटी बोल रही होगी कि आज तो दिहाड़ी बन गई दिहाड़ी। तभी वहाँ पर दूसरी आंटी आती है जिसका परस था, वो यार ढूंढने लगती है कि मेरा पर्स गया कहाँ। अब आंटी क्या बताऊँ, तुम्हारा पर्स तो गया काम से। पहले वाली आंटी पता नहीं पर्स लेकर कहाँ भाग गई, इस आंटी का तो दिमाग गर्म हो रहा है कि मेरा पर्स आखिर गया कहाँ। शायद हो सकता है कि ये वाली आंटी इसकी कोई रिश्तेदार होगी, बहन बहन वगैरह होगी, इसने उसका पर्स पड़ा हुआ देखा होगा और बोल रही होगी मुन्नी तो पर्स यहाँ पर छोड़ गई और तबियत इसको देने के लिए ही ले गई होगी, लेकिन ये तो यहाँ पर ढूंढ रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। बाकी दोस्तों आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको साने का, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।